हेलो एवरीवन वेलकम टू फाइनेंस नो हाउ मैं और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर आईडीटी सीए फाइनल्स ये इंटर जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट में हमने ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी फोर तीन सेक्शन डिस्कस किए थे यहाँ पर हम सेक्शन ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी डिस्कस करेंगे ठीक है और मेरे वीडियोज़ में मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट वेस बात करता हूँ और एग्ज़ाम में जो एक्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो बताता हूँ आपको क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ सी फाइनल का और मैंने खुद ये जी के चैप्टर्स पढ़े हैं और मुझे पता है कि इसमें क्या क्या इश्यूज़ फेस होंगे हर क्वेश्चंस में तो मैं आप उन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा आई थिंक अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए क्योंकि मैं सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें करूँगा इसमें आपको एक सेकंड भी बोर नहीं होगा हर चीज़ आपको एग्ज़ाम और चीज़ दिखेगी यहाँ पर ठीक है अगर चैनल अच्छा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा ठीक है डिसलाइक कर दीजिए अगर अच्छा ना लगा तो ठीक है अब बात करें क्वेश्चन सेक्शन ट्वेंटी फाइव से बात करेंगे हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ट्वेंटी फाइव से तो उससे पहले एक एनालिसिस कर लेते हैं ठीक है थीके? जो सेक्शन ट्वेंटी फाइव है उसके अंदर एक तो टाइम लिमिट कब तक अप्लाई करना है वो सब तो उधर से ही स्टार्ट करेंगे कि वेयर एंड बाई वेन टू तो अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन सो अ प परसन हु इज़ लाइबल फॉर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ट्वेंटी टू और ट्वेंटी फोर ठीक है तो फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इज़ लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन थर्टी डेज विद इन थर्टी डेज फ्राम द डेट फ्राम द डे वैन ही इज़ लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन मतलब जिस दिन उसका टर्न ओवर की त्रेसो डेमिल क्रॉस हो जाएगी उसी दिन वो लाइबल हो जाएगा और उस दिन से थर्टी डेज के अंदर अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है ये पहली कंडीशन है किसके अंदर ट्वेंटी टू और ट्वेंटी फन ट्वेंटी फोर के अंदर जो जो पर्सनस रहते हैं उनके लिए फिर होता है कैजुएबल टैक्सेबल पर्सन और एन आर टी पी जो होते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है वो जब बिजनेस कमेंस करेंगे उससे पाँच दिन पहले एटलीस्ट फाइव डेज बिफोर प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बिज़नेस कमेंस होने से पाँच दिन पहले उनको रजिस्ट्रेशन लेना होता है उनको एडवांस में पेमेंट करना होता है वो पेमेंट का हम पेमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे फिर इनके अलावा कोई पर्सन बचता है हु इज़ मेक सप्लाई फ्राम टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया तो उस केस में भी थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इज़ बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ठीक है सो उन सब का टर्न ओवर कैलकुलेट वैसे करेंगे जो मैंने ऊपर बताया था आपको एग्जाम्पल दे रखा है सुगम सर्विसेज इंगेज इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस इन दिल्ली टर्न ओवर क्रॉस्ड ट्वेंटी लैख ऑन फर्स्ट नवंबर तो वो एक, एक दिसंबर वहाँ से तीस दिन, एक दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है बात करें स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन तो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन करना होता है आप भले ही आपकी दस स्टेट के अंदर बिजनेस और दस रजिस्ट्रेशन होंगे आपके जीएसटी के सेकंड चीज़ अगर आपका एक ही स्टेट में काफ़ी सारी ब्रांचेस है तो उन सब ब्रांचेस का आप सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन ले सकते हो और बाकी सब को सब ब्रांचों को मतलब एक का सेंट्रलाइजेशन रजिस्ट्रेशन ले सकते हो बाकी सब ब्रांचेस को आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बता सकते हो तो ये ऑप्शन दे रखा है स्टेट वाइज सबका अलग अलग कराना पड़ेगा वहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है बट स्टेट के अंदर काफ़ी सारी ब्रांचेज है तो वहाँ पे आप सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन ले सकते हो सिंपल सा पॉइंट यही है ठीक है उसके बाद करते हैं सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर डिफरेंट प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन द स्टेट और यूटी में भी ग्रांटेड तो वहाँ पर ऑप्शनल है सेकेंड वाले में अगर आपके स्टेट में अलग अलग प्लेसेस है तो वहाँ पे आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो हर हर ब्रांच का ठीक है वो चीज़ कह रखी है हर प्लेस ऑफ बिजनेस का आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हो उस केस में वो डिस्टिंग पर्सन कहलाएगा ठीक है फिर ये ये चीज़ हो गई अब इसके अंदर आप एग्जाम्पल देखते हैं मिठ्ठा लाल इन सन्स अ सप्लायर इन महाराष्ट्र हैज़ थ्री ब्रांचेज इन मुंबई पुणे एंड महाराष्ट्र महाबलेश्वर ठीक है So Mumbai and Pune branches are engaged in the supply of garments. And Mahabaleshwar branch is engaged in the supply of shoes. Either it can obtain single registration for Maharashtra and declaring one of the branch as place of additional place, principal place of business. Let's say Mumbai is the principal place of business. Another two branches, Pune and Mahabaleshwar, as additional place of business carry on.

उन्होंने क्या लिया पहले सेंट्रलाइजेशन सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया टू इट्स ऑल द थ्री ब्रांचेज एंड मुंबई ब्रांच सेंड सम गारमेंट्स फॉर द सेल ऑफ पुणे ब्रांच तो मुंबई ब्रांच मस्ट रेज द टैक्स एनवाइस सो अगर आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेते हो तो अगर आप अपनी ब्रांच को भी ट्रांसफ़र कर रहे हो कुछ सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में भी आपको टैक्स एनवाइस जनरेट करनी पड़ेगी ओवरऑल पर्पस ये है इस एग्जांपल का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया तो आपको टैक्स एनवाइस इशू करनी पड़ेगी चाहे अपने आप आप अपने ब्रांच को दे रहे हो सामान ठीक है दैट इज कॉल्ड दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज सप्लाई ठीक है अब बात करते हैं कंपोजिशन लेवी इन केस ऑफ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर द मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन द स्टेट तो इसमें ये ये कहना चाहता है कि इफ अ पर्सन इज पेइंग टैक्स वन ऑफ इज प्लेस ऑफ बिजनेस अंडर नॉर्मल स्कीम ही शैल नॉट पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी ये हमने कंपोजिशन चैप्टर में पढ़ा था कंपोजिशन ले भी आपकी सारी ब्रांचेज पे अपलिकबल होगा सारे स्टेट सारे एक ही पैन नंबर में जितने बिजनेस होते हैं सब पे अप्लीकेबल होगा तो आप पार्शली नॉर्मल पार्शली कंपोजिशन नहीं ले सकते ठीक है इफ़ वन ऑफ द प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन बिकम्स इन एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी देन ऑल द बिजनेस बिकम इन एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम ठीक है तो वैसे ही हो गया फिर द प्रोविजन ऑफ द रूल नाइन एंड टेन रिलेटेड टू वेरीफिकेशन ग्राइंड ऑफ रजेंसल म्यूचुअल अपलाई एन एप्लीकेबल सबमिटेड अंडर दिस रूल ठीक है तो ये कंपोजिशन रिलेटेड कुछ पॉइंट हो गए जो यहाँ पे डिस्कस किए हैं अब बात करते हैं वॉल्टियर रजिस्ट्रेशन की सो वॉल्टियर रजिस्ट्रेशन आप कभी भी ले सकते हो उसमें कोई आपको मना ही नहीं है ठीक है सो हाउ एर वंस द पर्सन ऑप्टिंग वॉल्टियर रजिस्ट्रेशन ही हैज़ टू पे टैक्स इवन टू हिज एग्री के टर्न ओवर डज नॉट इन मोर दैन थ्रैश होल्ड लिमिट अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा आप जितनी भी सप्लाई करोगे ठीक है तो ये बात है फिर अ डिस्टिंग पर्सन स्टैब्लिस्ड ऑफ डिस्टिंग पर्सन क्या होता है सो सपोज अ पर्सन है हु हैज़ ऑप्टेन इज रिक्वायर्ड टू ऑपटेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेदर इन वन स्टेट यूनियन टेरेटरी और मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरीटरी सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ईच रजिस्ट्रेशन विल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक पर्सन सपोज मैं महाराष्ट्र में ही हूँ ठीक है महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे के लिए तो मुंबई पुणे डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे सेम नहीं होंगे ठीक है तो ये कहना चाहता है फिर आगे बात करते हैं पेन मस्ट भी ऑप्टेन फॉर रजिस्ट्रेशन पेन मस्ट फॉर ऑप्टेनिंग रजिस्ट्रेशन आपके पास पेन होना बहुत जरूरी है अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो ठीक है इन केस ऑफ एन आर टी पी मे बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट सो एन आर टी पी को पेन की रिक्वायरमेंट नहीं है ही कैन टेक रजिस्ट्रेशन विदाउट द पेन नंबर ओके अब बात करें यूनिक आइडेंटिटी नंबर यू नंबर की बात करते हैं तो ये जो इशू होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को और एनी मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एज नोटिफाइड अंडर यूनाइटेड नेशंस ठीक है और कॉन्सुलेट एम्बेसीज़ जो होती है यू की या अलग अलग कंट्रीज़ की उनके लिए अप्लीकेबल होता है उनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन यूनिकेशन आइडेंटिटी नंबर इशू करते हैं ठीक है सो इट्स क्लेम इसलिए इशू करते थे ताकि वो कुछ रिफंड है रिफंड क्लेम कर पाए ठीक है जो उन्होंने जी एस टी पे किया है सो सर्विस गुड्स पे सो यू आई एन ग्रांटेड इन देंट्रलाइज्ड यू आई एन इट्स शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल टेरेटरी ऑफ इंडिया ठीक है अ पर्सन हैविंग यू आई एन इज़ नॉट रजिस्टर्ड पर्सन एंड थाज नॉट टैक्सेबल पर्सन अगर किसी के पास यू आई एन नंबर है सो वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है और टैक्सीबल पर्सन भी नहीं है वो सिर्फ रिफंड के लिए यूज़ किया जाता है द प्रॉपर ऑफिसर में अपॉन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्म आफ्टर फाइलिंग अप द सेड फॉर्म आफ्टर रिसीविंग अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असाइन यू आई इन टू द सैड पर्सन इशू अ सर्टिफिकेट इन फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर जीरो सिक्स विद इन थ्री वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन तीन दिन के अंदर उनको मिल जाएगा तो थ्री वर्किंग डेज के अंदर यूआईन को मिलता है ये लिमिट याद रखनी है एग्जाम अगर इसका क्वेश्चन पूछा तो वो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन कहलाएगा ठीक है इस बार जो पेपर हुआ उसमें काफ़ी लिमिट्स पूछी है जो ऐसी थी अब <coughs> बात करते हैं सुबो रजिस्ट्रेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है तो अपने मन से रजिस्ट्रेशन करवा सकता है उस उस सप्लायर को बुला के उसका रजिस्ट्रेशन करवाएगा वो खुद ठीक है ऐसा भी कर सकता है तो ये हो गया सो मोटो का अब हो गया प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन तो अब पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन क्या होता है ठीक है तो प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन ये जो भी है सेक्शन एट रूल एट नाइन टेन में दिए हुए सेम इन प्रिस्क्राइब ये सब रूल दे रखे हैं ठीक है सो प्रोसीजर सो लैंड इज नॉट अप्लाई इनके ऊपर ये प्रोसेजर अप्लाई नहीं होगा कौन कौन से लोग एक तो एनआर टी पी एक होगा अ पर्सन रिक्वायर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन फिफ्टी वन और एक फिफ्टी टू वाले और अ पर्सन सप्लाइंग ओ आई डी ए आर सर्विसिज टू प्लेट्स आउटसाइड इंडिया टू अ नॉन टैक्सीबल पर्सन ऑनलाइन रिसिपियंट रेफर्ड इन सेक्शन फोर्टीन सो अनरजिस्टेड पर्सन को देगा ओ आई डी आर सर्विसज कैजल टैक्सीबल पर्सन सॉरी एन आर टी पी और फिफ्टी वन फिफ्टी टू चार लोगों के ऊपर ये जो मैं प्रोसीजर बताऊँगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा ठीक है सो सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स एंड प्रोसीजर हैव बीन हैिस्क्राइब फॉर ईच ऑफ द अफोर्च पर्सन इन चार लोगों के लिए अलग प्रोसीजर दे रखा है तो वो फॉलो करना है ठीक है सो इन केस ऑफ एन आर टी पी डिस्कसिक्वेंटली बट प्रोसीजर फॉर अदर थ्री हैव बीन कवर्ड एट द फाइनल लेवल ओके नाउ सच पर्सन शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन आर ई जी जीरो वन सच पर्सन अपलाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन आर ई जी जीरो वन ठीक है रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कौन सा होता है आर ई जी जीरो वन ठीक है सो द एप्लीकेबल इसके दो पार्ट होते हैं एक तो पार्ट ए होता है एक पार्ट बी होता है ठीक है अभी पार्ट ए में क्या होगा उसके बाद पार्ट बी में क्या होगा वो बताएंगे फिर एक एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन सो अ पर्सन हैविंग यूनिट इन एस और एस सी जेड डेवलपर विल हैव टू मेक अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ डिस्टिंक्ट from his place of business located outside SEZ in which such state or unitary. So there may be case where two units of taxpayer are located in one SEZ and another outside the SEZ. तो दोनों के लिए separate registration लेना पड़ेगा. ठीक है जैसे मेरा कोई business है एक SEZ के अंदर एक SEZ के बाहर है. मुझे दोनों के लिए अलग registration लेना पड़ेगा. ठीक है. अभी बात करते हैं इसका एक example देखते हैं. Swarna Industry is engaged in the manufacturing activities in UP it has two manufacturing unit in UP one in SEZ another is outside SEZ so one registration per state is required however since this case one of the two units to compulsory make a separate application for registration as a place of business distinct from unit located in SEZ in the same state okay so this yeah, provision okay. now application for registration by input service distributor तो उनको भी अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ठीक है उसका भी फॉर्म है आर जी जीरो वन ओके सो डिफ़रेंट ऑफिसर्स लाइक मार्केटिंग डिवीज़न सिक्योरिटी डिवीज़न में अप्लाई फॉर सेपरेट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन ओके नाउ वॉट इज़ द प्रोसिजर फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन डिस् डिपिक्टेड बाई वे ऑफ डायग्राम ऑन नेक्स्ट पेज सो अभी पूरा का पूरा प्रोसीजर मैं डायग्राम के थ्रू बताऊँगा आपको ठीक है तो आप देख सकते हो हम यहाँ पार्ट वन की बात कर रहे हैं प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन पार्ट वन एवरी पर्सन लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड एंडसन सिकिंग वॉल्टी रजिस्ट्रेशन सेल बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर हिज परमानेंट अकाउंट इन नंबर पेन नंबर देना पड़ेगा मोबाइल नंबर होगा मोबाइल नंबर होगा ईमेल एड्रेस होगा स्टेट यू टी इन पार्ट ए ऑफ द फॉर्म जी एस टी आर ई जी जीरो वन ऑन जी एस टी कॉमन पोर्टल सो इस पोर्ट, पोर्टल में आपको लॉग इन करके ई मेल आई डी देना है मोबाइल नंबर देना है पेन कार्ड नंबर देना है बैंक अकाउंट नंबर देने की अभी जरूरत नहीं है जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप बैंक नंबर दे सकते हो ये नया रूल है नया अमेंडमेंट है तो वो चीज़ ध्यान रखना आप ठीक है सो पार्ट वन में आपको क्या चाहिए पेन कार्ड नंबर मोबाइल नंबर ई मेल एड्रेस आर वैलीडेटेड ये सब वैलीडेटेड होने के बाद ऑनलाइन बाय द पोर्टल फ्रॉम द सी बी डी डी फिर मोबाइल नंबर डालना है उसको वेरीफाई करना है ई को भी वेरीफाई करना है और पासवर्ड सेंड हो जाएंगे ठीक है उसके बाद आपके एक टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा सो उसको कम्युनिकेट टू द एप्लीकेंट उसके आप टी आर एन यूज़ करोगे हमेशा ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके टी आर एन नंबर से आप कम्युनिकेशन करोगे सो so जिसने भी जी एस टी का रजिस्ट्रेशन किया होगा उसको ये सब चीज़ आप पता होगी ठीक है नहीं पता तो आप अभी सीख लो while submitting the application the applicant shall undergo authentication of aadhar number so aadhar card ka number authenticate hota hai jab aap application submit karte ho to wo zaruri hota hai theek hai uske baad baat karte hain part b ki part 1 mein sirf itna hi hota hai details hoti basic details aapka business kya hai business ki categories वगैरह सब select करके आपको form भरना होता है ठीक है Part b में क्या होता है उसके अंदर डिटेल्स कंटिन्यू such as constitution of business, jurisdictions, options, offer, composition.

ऑफ़ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट एट द कॉमन पोर्टल तो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स में आपको फोटो लगेगा और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो अगर वो प्रमाइस आपसे रिलेटेड नहीं है तो उसके लिए आपको एक कंसेंट लेटर देना पड़ेगा सो so, वो सब चीज़ें ठीक है फिर ऑन रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन ऑन एक्नोलॉजमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म सेल्बीज इशूड टू द एप्लीकेट इलेक्ट्रॉनिकली ओके एक बार उसको मिल गया एक्नोलेजमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म ठीक है नाउ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन गेट्स टी आर एन फॉर मेकिंग एन एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स इन इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड एक्नोलेजमेंट इज इश्यूड ओनली आफ्टर द सेट डिपॉजिट सो कैजुअल कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होगा उसको पहले पैसा देना पड़ेगा टैक्स पे एडवांस में पे करना पड़ेगा ठीक है जब भी वो डिपॉजिट करेगा तभी उसको एक्नोलॉजमेंट इशू होगा ठीक है ना एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेटेड द प्रॉपर ऑफिसर ना प्रॉपर ऑफिसर रिसीव आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन वाई प्रोफेसर डिपिक्टेड इन पार्ट टू सो उसके अंदर क्या करना है पार्ट टू के अंदर और प्रॉपर ऑफिसर एग्जाम करेगा आपकी सारी डिटेल्स को एप्लीकेशन को उसके साथ जो do डॉक्यूमेंट है अगर वो सेटिस्फाई है ठीक है तो विद इन थ्री वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर विल ग्रांट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन फॉर्म जी एस टी आर आर ई जी जीरो सिक्स ठीक है और वहाँ आप डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन मान चे जाओगे सो डिस बिलो इन सेपरेटी ठीक है अगर अगर देखो तीन दिन के अंदर अंदर वो ग्रांट कर देगा फ्रॉम द डे टॉफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अगर वो सेटिसफाइड है अगर वो सेटिसफाइड नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर नोटिस इलेक्ट्रॉनिक विद इन थ्री वर्किंग डेज आपको वो नोटिस भेजेगा तो फ्राम द एप्लीकेशन सबमिशन डेट देर बाई सिकिंग क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द एप्लीकेंट नोटिस में बी इशू नॉट लेटर दैन ट्वेंटी वन डेज इक्कीस दिन के बाद नोटिस इशू नहीं हो सकता फ्राम द एप्लीकेशन सबमिशन डेट इन केस विद अ पर्सन फेल्स टू गो अंडर आधार ऑथेंटिकेशन डज नॉट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन ठीक है आधार ऑनटेड ऑथेंटिकेशन करना बहुत जरूरी है तो थ्री वर्किंग डेज ध्यान रखना है उसके अंदर प्रॉपर ऑफिसर रिस्पॉन्स करेगा सेटिसफाई है नहीं है तब भी आपको इक्कीस दिन तक नोटिस का रिस्पॉन्स करना है इक्कीस दिन के बाद नोटिस इशू नहीं हो पाएगा सॉरी सो इफ एप्लीकेपेंट फंड एप्लीकेंट को जो फंड करनी है डिटेल्स वो सात दिन के अंदर करनी है फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ नोटिस ठीक है अगर वो दे देता है एक प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड विद इट तो सात वर्किंग डेज के अंदर आपको ग्रांट कर देगा जी एस टी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर में रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ठीक है नाउ क्लैरिफिकेशन इंक्लूड्स मॉडिफिकेशन करेक्शन एंड पर्टिकुलर स्ट लैंड इन द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन अदर देन पैन स्टेट मोबाइल नंबर एंड ई मेल यही प्रोसेस रहता है सिंपल सा ठीक है तो ध्यान रखनी लिमिट्स सात दिन में प्रॉपर ऑफिसर रिस्पॉन्स करेगा अपनी अपन भी कितने दिन में रिस्पॉन्स करेंगे सात दिन के अंदर अगर हमको क्लैरिफिकेशन मांगते हैं अगर सिंपल प्रोसेस जा रही है तो उसके अंदर प्रॉपर ऑफिसर फर्स्ट टाइम में थ्री वर्किंग डेज के अंदर अपने को सेटिस्फाई होने के बाद तीन दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ग्रांट ग्रांट कर देगा ठीक है तो ये लिमिट्स ध्यान रखनी यहाँ पे नाउ व्हाट इज द डीम अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन डीम अप्रूवल क्या होता है इनकेस वेर अ पर्सन सक्सेसफुली अंडर गो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार कार्ड नंबर एन इज एक्सेंट फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन सो विद इन अ थ्री पीरियड ऑफ वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वो डीम्ड रजिस्टर्ड पर्सन मान लिया जाएगा

सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है तो वहाँ पर कॉज नोटिस इशू नहीं होगा तो ये प्रोसीजर उसमें आपको सिर्फ लिमिट्स ध्यान रखनी है और ज़्यादा कुछ नहीं इसके अंदर सर ठीक है ये सब वो चीज़ें हैं जो आधार आधार ऑथेंटिकेशन के अंदर तो ये चीज़ है द पर्सन रिक्वायर टू अंडर को आधार कौन कौन से पर्सन है जिनको आधार ऑथेंटिकेशन के अंदर जाना पड़ता तो एक न्यू एप्लीकेंट तो ड्यू ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेंट ऑफ सच केसेज शैल बी अडियर ऑफ द डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार कार्ड और फिफ्टीन डेज ऑफ फ्राम दो ये एक अमेनमेंट है इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है इसको हम ये जो ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट है इसको हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे उसमें एक्सप्लेन करेंगे ठीक है तो पर्सन टू होम आधार कार्ड ये आधार कार्ड वाला पूरा प्रोसीजर है इसको मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर उसमें आपको डिस्कस करूँगा ये थोड़ा सा एक अमेंडमेंट है इस पार्ट को हम डिफरेंटली एक्सप्लेन करेंगे और ये फर्नाइजिंग ऑफ बैंक अकाउंट इसको भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करो उस टाइम देने की जरूरत नहीं है बट आपको जैसे रजिस्ट्रेन आ गया उसके बाद फोटी फाइव डेज के अंदर फोर्टी फाइव डेज के अंदर आपको बैंक की डिटेल्स देनी पड़ेगी जी एस टी नंबर वाला को ठीक है तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है विद इन फोर्टी फोर्टी फाइव डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और ड्यू ऑफ द फर्नाइजिंग रिटर्न विच एवर इज आर तो इतने दिन में आपको बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करानी है तो ये अमेंडमेंट है ये अमेंडमेंट्स को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक है नाउ इशू एम फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कितने दिन में इशू हो जाएगा थ्री डेज फ्रॉम द ग्रांड ऑफ़ रजिस्ट्रेशन ठीक है तो ये आप चीज़ समझ गए उसके बाद जी एस टी इनका फॉर्मेट क्या रहेगा तो आपका पहला जो तीन वर्ड होंगे वो स्टेट का कोड होगा उसके बाद पेन नंबर होगा उसके बाद एन डी टी कोड होगा दो का एंड चेक सम करेक्टर्स ठीक है उसके बाद डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड जी एस टी नंबर तो आपका जो भी बिजनेस प्लेस होगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ़ बिजनेस वहाँ पर आपका सर्टिफिकेट ऑफ जी लगाना जरूरी है डिस्प्ले करना जरूरी है ठीक है और इफ़ेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब होगी इस पर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं अगर आपने तीस दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया जो टाइम लिमिट थी लाइबल से तीस दिन के अंदर तो आपकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या होगी जिस दिन से आप लाइबल हुए वो वाली डेट डेट ऑन विच द बिकम्स लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अगर आपने तीस दिन के अंदर अप्लाई कर दिया है तो अगर आपने तीस दिन के बाद अप्लाई किया है तो आपकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या होगी जिस दिन आपको सर्टिफिकेट इशू होगा लाइक डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस दिन आपको ग्रांट होगा ठीक है वो वाली डेट आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी ठीक है इस चीज को ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देख लेते हैं फिर ट्वेंटी देख लेते हैं शुगर सर्विसेज लिमिटेड इज इंगेज इन द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस इन द मध्य प्रदेश टर्न ओवर ऑफ दिस कंपनी इज ट्वेंटी लैक एक्सीड कर गया फर्स्ट नवंबर को एंड इज रेबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन फर्स्ट दिसंबर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इट अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन ट्वेंटी ट्वेंटी एट नवंबर सो द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी एक नवंबर क्योंकि उसने तीस दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया दूसरे केस में यही है कि उसने तीस दिन के अंदर अप्लाई नहीं किया सब वो एग्जाम्पल में वो तीन दिसंबर को अप्लाई करता है आफ्टर थर्टी डेज के अंदर ठीक है तो उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन का जो ग्रांड होता है वो दस दिसंबर को होता है तो उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी दस दिसंबर ठीक है डेट ऑफ ग्रांड ऑफ रजिस्ट्रेशन ये चीज़ हो गई अभी हम पढ़ेंगे स्पेशल प्रोविज़न फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ठीक है स्पेशल प्रोविज़न क्या क्या है वो देख लेते हैं सो मीनिंग ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड एन आर टी पी ये हमने पढ़ लिया एक बार क्या क्या होते हैं देखो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होते हैं जो टेम्प्रेरी बिजनेस करने के लिए आते हैं कोई जैसे मेले लगते हैं ना उसके अंदर तो फेयर्स के अंदर जो आते हैं लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर तो वहाँ पर उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है पेमेंट पहले करना पड़ता है टैक्स का एडवांस में और नाइन्टी uh, डेज़ की कुछ होती है लिमिट ठीक है उसके बाद एन तो एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका सबसे पहले लाइक कृष्ण देव एंड कंपनी इनकीज इन द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स रजिस्टर्ड इन राजस्थान ठीक है इट विशेज टू पार्टिसिपेट इन द फाइव डेज बिजनेस एग्जिबिशन बिगेस इन दिल्ली तो उसको दिल्ली जाना है बिजनेस के अंदर एग्जिबिशन के अंदर पार्ट लेने के लिए हाउ अवेर इट डज़ नॉट हैव अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस वहाँ पर उसका कोई ऑफिस नहीं है एंड इन दिस केस कृष्णा एंड कंपनी हैज़ टू ऑप्टेन अ रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सीबल पर्सन इन दैली तो आप उसको सी टी पी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होगा दिल्ली के अंदर अब एन आर टी पी क्या होता है फ़ोरन से कुछ लोग इंडिया में आए उनको भी बिजनेस करना है तो इस केस में उनको रजिस्ट्रेशन लेना होता है उनके पास पैन कार्ड ना हो तो प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके बेस पर वो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं फिर आ, ये उनकी डेफिनेशन होगी तो आपने फॉलोइंग पॉइंट्स कंसिडर करना है कौन सा एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन डज नॉट हैव अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन द स्टेट और माइट बी रजिस्टर्ड विद रिगार्ड टू दिस फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन सम अदर स्टेट वाइल्ड एन आर टी बी डज नॉट हैव अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस रिजाइड्स इन इंडिया एट ऑल ओके एंड सिज टू अंडरटेक ट्रांजेक्शंस इन द कोर्स ऑफ फर्दर ऑफ बिजनेस वेयर बिजनेस टेस्ट इज एबसेंट इन द डेफिनेशन ऑफ एन आर टी बी एन में बिजनेस की जो कंडीशन होती है उसको कंसीडर करना जरूरी नहीं है नहीं, ठीक है बात करें स्पेशल रजिस्ट्रेशन प्रोविजन ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड एन स्पेशल रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन प्रोविजन ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ठीक है तो जी एस टी लॉ प्रिस्क्राइब स्पेशल प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एज ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ द ऑपरेशन पीरियड ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ठीक है तो पाँच दिन पहले बिजनेस कमेंस होने से पाँच दिन पहले उनको रजिस्ट्रेशन करना है जो हमने ऊपर पढ़ा था एक तो वो टाइम लिमिट याद रखनी है फिर ये एक नाइन्टी डेज़ वाला जो मैंने आपको कहा था यहाँ पे आ गया ठीक है सो रजिस्ट्रेशन इज़ ग्रांटेड टू दैम पीरियड ऑपरेशन एक्सटेंडेड एंड ओनली आफ्टर दे मेक एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ठीक है एक नाइन्टी डेज के अंदर यहाँ पर लिखा है आपको आगे बताता हूँ सी टी पी एन एन आर टी पी है कम्पल्सरी गेट रजिस्टर्ड अंडर जी एस टी ये पॉइंट एक प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फिर एवरी पर्सन मस्ट हैव अ पेन और एन आर टी विल जनरली नॉट हैव अ पेन सो ही मे ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स ये चीज़ें यहाँ तक नहीं है एनआर टी पी हैज़ टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट अलॉन्ग विद्लीकेशन साइंड बाई जिस अथॉरिटीज ऑथोराइज सिग्नेटरी टू एन इंडियन रेजिडेंट हैंग वैलिड पेन ठीक है हाउ एवर इन केस ऑफ बिजनेस एंडिटी इन कॉरपोरेट एंडबलिस्ड आउटसाइड इंडिया सो द एप्लीट ऑफ द रजिट्रेशन सैलरी सबमिट अलॉन्ग विद एन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और यूनिक नंबर ऑन द बेसिस ऑफ विच एंडीज़ आइडेंटिफाइड बाई द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंपनी एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड बाई एन आर टी पी इन द डिफरेंट प्रिस्क्राइब फ्रॉम द सी टी पी विल सबमिट द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन द नॉर्मल फॉम ठीक है तो इसमें जो जो पॉइंट मैंने डिस्कस किए सिर्फ वही याद रखने एक तो पाँच दिन पहले टैक्स पहले डिपॉजिट करना है और सीटीपी uh, और एनआरटीपी एनआरटीपी बिना पहन के रजिस्ट्रेशन ले सकता है डॉक्यूमेंट प्रस्क्राइब किए हुए उनके तो वैलिडिटी क्या रहती है यहाँ पे आएगा वैलिडिटी यहाँ पे नाइन्टी डेज़ का पॉइंट है सो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू सीटीपी और एनआरटीपी विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एप्लीकेशन में जो टाइम पीरियड था वो या नाइन्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ठीक है विथ चैम्बर इज अर्लियर वहाँ तक एप्लीकेबल रहेगा ठीक है सप्लाई ओनली आफ्टर द इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफेंस मतलब जिस टाइम सर्टिफिकेट इशू होगा उसके बाद ही सप्लाई कर सकते हैं वो इंडिया में ठीक है नाउ एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स ये भी बता दिया मैंने आपको डिपॉजिट एडवांस में करना है फिर ये हो गया उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द लॉन्ग रनिंग एग्जामिनेशन अगर लॉन्ग एग्जामिनेशन अगर आपका जो एग्जिबिशन है वो एक सौ अस्सी दिन से ज़्यादा है ठीक है सो टैक्सीबल पर्सन कैन नॉट ट्रीट एज सी टी पी उसको एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे अगर कोई कैजुअल टेक्सीबल पर्सन कोई स्टेट में एग्जिबिशन मारा और उस वो पीरियड एक सौ अस्सी दिन से ज़्यादा है तो उस केस में उसको सीटी पी नहीं ट्रीट करेंगे उसको एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सारी जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है वो इधर तरह आना पड़ेगा ठीक है तो ये चीज़ कह रखी है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक सौ अस्सी वाली दिन याद रखना एक सौ अस्सी दिन से ज़्यादा एग्जीबिशन है तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ट्रीट नहीं होगा वो उसको नॉर्मल की तरह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उसके बाद डीम रजिस्ट्रेशन क्या होता है देखो डीम रजिस्ट्रेशन क्या होता है लाइक जी एस टी इज़ नॉट स्पेसिफिक विच मीन्स दैट देर इज सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल द टैक्सेस ठीक है So, grant of registration under any SGST or UTGST is deemed to be registered under Union UINT granted under CGST Act provided application for registration not been rejected under CGST Act. Okay. So, further rejection of application of the registration under SGST or UTGST Act is deemed to be the rejection of application of regarding under CGST Act. Okay. तो ये चीज़ रखी है उसके बाद स्पेशल प्रोविजन फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ पर्सन रिक्वायर टू डिडक्ट टैक्स अंडर फिफ्टी टू और फिफ्टी वन तो जो फिफ्टी वन और फिफ्टी टू है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा तो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ टू सबमिट डिफरेंट डिस्क्राइब फॉर्म विद इन थ्री वर्किंग डेज ठीक है तीन वर्किंग डेज के अंदर उनको फ्रॉम डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर ड्यू वेरीफिकेशन सो वेन अ पर्सन अपलाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन टू कलेक्ट टी सी एस और डिडक्ट टी डी एस He does not have a physical presence. He shall mention name of the said state/union territory in Part One, Part A of the prescribed application from the registration, and further the name of the state or union territory which is principal place of business is located in the mentioned Part B. and registration will be cancelled if the proper officer is satisfied that such person is no longer be liable to deduct tax. एट सोर्स और कलेक्ट टैक्स एट सोर्स ठीक है कैंसिलेशन ऑफ रूल्स भी कम्युनिकेट कर दिया जाएगा उसको प्रोसीजर रूल्स के हिसाब से इतनी सी बात है ठीक है अभी स्पेशल प्रोविजन फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ पर्सन सप्लाइंग ओ आई सर्विसेज में क्या होगा तो ओ आई सर्विसेज के अंदर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सबमिटेड बाई द डिफरेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म दे वुड बी ग्रांट रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज रिस्ट्रिक्शन एंड बाई सच ऑफिसर एज मे बी नोटिफाइड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट तो इसमें कोई टाइम लिमिट दे नहीं रखी है अभी ठीक है सो वाई एलिब्रेटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोविजन कंटेट इन चैप्टर थ्री ऑफ रजिस्टर्ड सी जी एस टी एक्ट ऑनली रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर्म आर जीवन एडवाइज टू गो थ्रू वेरियस फॉर्म फॉर्मेट्स रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन फॉर नॉलेज परपज ठीक है आप देख सकते हो आ रही जीवन ठीक है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते वो सब तो ये हमारे सेक्शन हो गए ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी सेवन ठीक है तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन ट्वेंटी एट ये भी बहुत ही सिंपल चैप्टर है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी तो इसके अंदर दो हेड होते हैं एक तो माइनर हेड होता है एक सॉरी एक तो कोर फील्ड्स होती है और एक नॉन कोर फील्ड हो सकती है तो दो कोर फील्ड्स कौन कौन सी होती है एक तो कोर फील्ड्स कौन होती है नेम ऑफ द बिजनेस ठीक है इफ़ देर इज़ अ नो चेंज इन पैन एडिशन डिलीशन ऑफ द स्टेक होल्डर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अदर चेंजेस तो इनको कोर फील्ड्स बोलते हैं ठीक है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अभी नॉन कोर फील्ड्स कौन सी होगी जैसे ई मेल फोन नंबर फंक्शनल ये आप खुद से कर सकते हो नॉन फील्ड्स आप खुद से कर सकते हो ओ वगैरह से वेरीफाई करके बट नॉन कोर फील्ड जो होती है वो आपको जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है वो अप्लाई करता है ठीक है

फिर द प्रॉपर ऑफिसर देन विल अप्रूव द अमेंडमेंट विद इन नेक्स्ट फिफ्टीन डेज पंद्रह दिन में वो अप्रूव कर देगा फॉर अदर चेंजेस नो कोर इन्फॉर्मेशन उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कोई अप्रूवल नहीं है आप आराम से खुद से चेंज कर सकते हो सिंपल सी प्रोसेस ये है बस फिफ्टीन डेज ध्यान रखना है अमेंडमेंट के अंदर ठीक है सो प्रोविज़न रिलेटिंग टू अमेंडमेंट आर कंटेन इन सेक्शन ट्वेंटी एट तो वो सब रूल दे रखे हैं जो हमने ऊपर पढ़े विद इन फिफ्टीन डेज़ पूरा एनालिसिस है इसके अंदर जो हमने पढ़ा वही चीज़ लिखी है इसके अंदर ठीक है सो so, इसके अंदर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सो कोर फील्ड्स को आप एक चार्ट के थ्रू से ही देख सकते हो लाइक परमिशन ऑफ प्रॉफिस ऑफिसर लीगल बिजनेस नेम चेंज करोगे एड्रेस चेंज करोगे परमानेंट प्लेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का एडिशन डिलीशन रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स डायरेक्टर्स करता जो भी आपकी कंपनी है प्रोप्राइटरशिप है उसमें अंदर कोई चेंज है तो उस केसेस के अंदर आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी ऑफिसर की ठीक है चेंज करने के लिए बाकी मोबाइल नंबर ई के अंदर आपको कोई ज़रूरी नहीं है अप्रूवल की तो ये सब और चार्ट के अंदर है ठीक है रजिस्टर्ड पर्सन कोर एरिया सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन विद इन फिफ्टीन डेज ऑफ द चेंज जीएसटी पोर्टल पे प्रॉपर ऑफिसर कैसे रिस्पॉन्स करेगा अगर वो सेटिसफाइड नहीं है ठीक है एंड नॉन कोर एरियाज अमेंडमेंट कैरेडाउ जी एस टी पोर्टल रजिस्ट्रेंस सर्टिफिकेट अमेंडेड ठीक है फिर परमिशन टू बी ग्रांटेड विद इन फिफ्टीन डेज ठीक है बट इफ़ पी यू सपोज पी ओ विल सर्व अ सो कोज नोटिस वाई एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शुड नॉट बी रिजेक्टेड अगर वो ऐसा पूछ ले ठीक है सो बट इफ द पी यू इज ऑफ द ओपिनियन दैट द अमेंडमेंट ऑफ अंडर वॉरटेड एंड डॉक्यूमेंट फर्निस्ट आर इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट सो विद इन फिफ्टीन वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन सो सो कोज नोटिस देगा पंद्रह दिन में ठीक है इफ़ रजिस्टर्ड पर्सन रिप्लाइज विद इन सेवन डेज ऑफ नोटिस अगर हाँ दे देता है और वो सेटिस्फाई है तो उसको ग्रांट कर देगा अगर नहीं है तो आपकी जो अमेंडमेंट की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पर याद रखना है फिफ्टीन डेज और सेवन डेज़ ठीक है देखो रिस्पॉस करने का टाइम क्या है सेवन डेज जब भी हमको सौ कुछ नोटिस मिलेगा हम रिस्पॉन्स कितने दिन, दिन में रहेंगे सात दिन में करेंगे ऊपर भी सात दिन था यहाँ पर भी सात दिन और फिफ्टीन डेज़ के अंदर का प्रॉपर ऑफिसर रिस्पॉन्स करेगा सिंपल सी चीज़ है ठीक है कोई इशू नहीं है सब चीज़ें सिमिलियर है बस आपको ध्यान रखना है कौन सी जगह पे कौन सी टाइम लिमिट है दो बार रिवाइज करोगे आपको आराम से याद आ जाएगा ये उसी से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन दे रखें इनको भी डिस्कस करते हैं इफ़ द प्रोफेसर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन विद इन अ पीरियड ऑफ फिफ्टीन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेंट और सेकेंड क्वेश्चन है विद इन अ पीरियड ऑफ सेवन वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसेप्ट ऑफ द रिप्लाई टू द शो दोकोज नोटिस सो सो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बी स्टैंड अमेंडेड टू द एक्सटेंड अपलाइड फॉर द एंडमेंट सर्टिफिकेट सैलरी मेड अवेलेबल टू द पर्सन ऑन द अगर वो पंद्रह दिन में कुछ नहीं करता ठीक है या सात दिन फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द रिप्लाई कुछ नहीं करता अगर प्रॉपर ऑफिसर तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा ठीक है अमेंडमेंट के साथ तो ये चीज़ कह रखी है इधर उसको तो डी मतलब अपने आप हो गया ठीक है फिर एक वरुण एंटरप्राइज प्रोपरेटर से फर्म इंगेज इन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन दिल्ली एंड द फर्म इज रजिस्टर्ड अंडर जी एस टी वरुण इज द प्रोप्रेटर ऑफ द फर्म He wishes to expand his business, and his friend Arun, approaches him to provide additional capital for his business if he is made a partner in Varun business. Okay. Now Varun agrees and changes the constitution of his business and form partnership firm. And Varun and company since the change in the constitution of the business from sole proprietorship to partnership firm.

तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे कि ऑथेंटिकेशन वाला पॉइंट जो हमने यहाँ पे स्किप कर दिया फिर एक कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिवोकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ये सब डिस्कस करेंगे उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ये हमारे नेक्स्ट वीडियो का पार्ट रहेगा उसके अंदर हम सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे इंस्टीट्यूट के तो ये चीज़ रहेगी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो